बड़ी खबर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया है, एक किस्म से छापा ही मार दिया उन्होंने। ब्रजेश पाठक ने छापा मार दिया है और लगातार वो एक काम कर रहे हैं, आम आदमी की तरह वो लखनऊ के अस्पताल पहुंच गए, वहां की व्यवस्थाओं का हाल जानने, ये जानने के लिए कि लोग किस तरीके की बातों का सामना कर रहे हैं अस्पताल में। ब्रजेश पाठक पहुंच गए अस्पताल, तस्वीरें देख लीजिए आप, और ये लाइव तस्वीरें। ब्रजेश पाठक ने मार दिया छापा लखनऊ के अस्पताल में, आम आदमी की तरह हालात का जायजा लेने के लिए लाइन में लगकर पर्ची कटाई उन्होंने और देखा कि क्या चुनौतियां होती हैं एक मरीज के सामने या उसके तीमारदार के सामने जब एक सरकारी अस्पताल में जाता है। मौजूद डॉक्टर्स की लिस्ट रजिस्टर में चेक किए उन्होंने। अनुभव शुक्ला ऑनलाइन पर है हमारे संवाददाता, अनुभव क्या देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे ब्रजेश पाठक, अचानक आज फिर लखनऊ का ये जो एक सरकारी अस्पताल है वहां पहुंचे हैं, और सबसे पहले इसकी शुरुआत उन्होंने सिविल अस्पताल से की थी, वहां पर एक आम मरीज बनकर पहुंचे थे और वहां भी सारी चीजों को देखा था। जब गड़बड़ियां मिली थी तो डॉक्टरों को साफ तौर से हिदायत भी दी थी। उसके बाद केजीएमयू पहुंचे थे, वहां तो बिल्कुल ना गाड़ी ले गए थे, सिर्फ एक पर्सनल गाड़ी से पहुंच गए थे और मरीज बनकर लाइन में लगे थे। आज भी कुछ इसी तरीके से हुआ है, स्टाफ उनका अभी इनके साथ नहीं है, वो पर्सनल गाड़ी से पहुंचे हैं, मरीज बनकर पहुंचे हैं और वहां सीधे काउंटर पर गए हैं, पर्चा कटवाया है, लेकिन उसमें जब देरी हुई है तो डॉक्टरों के पास गए, सारे रजिस्टर देखे हैं, वहां पर कोई मौजूद नहीं था, एक डॉक्टर के अलावा तमाम सारे लोग वहां मौजूद नहीं थे जिनकी आज ड्यूटी थी, और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर नसीहत दी है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तस्वीरों में आप दिखा ही रहे हैं किस तरीके से वहां जो मरीज मौजूद है अस्पताल में वो उनसे भी बात करा, और ये कुछ समय पहले ही अस्पताल बना है अगर हम कहें तो, इस तरीके से इसको हम सीएचसी भी कह सकते हैं जो शहरों में होता है, तो उसका पूरा जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ कमियां हैं। जब उन्होंने डॉक्टरों से पूछा तो कोई जवाब दे नहीं सके, तमाम सारे लोग वहां मौजूद नहीं थे, और इस तरीके से लगातार ये छापेमारी हम कह सकते हैं ये छापामारी उन्होंने की है, और जो भी कमियां मिली है उसको लेकर वो बात कर रहे हैं। कुछ मरीजों ने उनसे कहा कि हमें बड़ी देर से हम इंतजार कर रहे हैं, हमारा अभी तक हमारी पर्ची तक नहीं बनी है। उन्होंने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया और पूछा, कहा कि भाई इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो देखिए एक्शन में है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार, और इस तरीके से लगातार छापेमारी कर रहे हैं, कोशिश यही है कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाए उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं और रजिस्टर चेक कर रहे हैं, बड़े इत्मीनान से अनुभव हम देख सकते हैं उनको, और ऐसा लगता है कि हर एक इन्फॉर्मेशन जो कि रजिस्टर में है अंकित है उसको खंगाल रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। कितने डॉक्टर उपस्थित मिले उनको और कितने नजारत मिले? देखिए वहां पर केवल दो ही डॉक्टर उस वक्त मौजूद थे, फिर उन्होंने तुरंत जो डॉक्टर मौजूद थे उनसे कहा कि सीएमओ से बात कराएं, सीएमओ से जब बात हुई इनको और निर्देश दिए हैं, और फिलहाल आप देखिए ये जो है उसमें ये मौजूद है, अभी जो अलग कक्ष है वहां पर वो गए हुए हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत सारी चीजें यहाँ ठीक नहीं है, सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। ड्यूटी पर तकरीबन 4 से 5 डॉक्टरों को मौजूद रहना था, पर जब ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे तो वहां केवल एक डॉक्टर मौजूद थे और एक शायद तारा मेडिकल स्टाफ कोई था वो वहां पर मौजूद था। कुछ अभी आप देखिए इक्विपमेंट्स वहां पर जो पैकेट में बंद है, यानी अभी तक वो खुले भी नहीं है अस्पताल में, और उनको वो देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लगातार इस तरह की जब शिकायतें भी उन्हें मिल रही हैं और वो खुद लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं, ठीक है, लगातार उनकी कोशिश यही है कि कैसे जो व्यवस्था है उसको और बेहतर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तस्वीरों के लिए और इन जानकारियों के लिए।